प्रणाम। इस साल हिंदी विभाग की ओर से कई सारी परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप का आयोजन किया गया। छात्रों ने बड़े उत्साह और आनंद के साथ परिकल्पनाओं में भाग लिया। प्राथमिक कक्षा के छात्रों ने अक्षर और उसका चित्र बनाया, कविता पठन किया। इसमें उन्होंने बड़े उत्साह के साथ गीत, कविताएं पढ़ी, चित्र बनाए जो पठानुकूल थे। माध्यमिक छात्रों ने कविताएं पढ़ी, चित्र बनाए, व्याकरण के सुंदर सुंदर चार्ट्स बनाए। व्याकरण के प्रति रुचि और समझ प्रशंसा के योग्य रही। स्वरचित कविताएं भी काफी आकर्षित रही। छात्रों का सहयोग एवं हिंदी विभाग के अध्यापकों की मेहनत खूब रंग लाई। इससे प्रदर्शनी ज्ञानवर्धक एवं आकर्षक रही। प्रणाम, मेरा नाम आरा बोर्डे है और आज मैं कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता जो बीत गई सो बात गई सुनाने वाली हूँ। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके तारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। मैं आर्या पुलाटे आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने, हो बड़े, एक पत्र चाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, 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 तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, यह चल रहा मनुष्य है। आश्रु श्वेद रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन, धन्यवाद। प्रणाम, मेरा नाम है मनकीरत कौर और मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है वो भारत देश है मेरा। इस कविता के कवि हैं राजेंद्र कृष्ण। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता है पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हैं प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक में मोहन है और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है तो कहीं होली के मेले। राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा। जब आसमान से बातें करे मंदिर और शिल्वे, किसी नगर के किसी द्वार पर ताला न डाले कोई। जहाँ प्रेम की बंसी बजाता शाम और सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम वरद धानप है। मैं आपके सामने हरिवंश राय बच्चन की कविता साथी सब कुछ सहना होगा यह प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथी सब कुछ सहना होगा, मानव पर जगती का शासन, जगती पर संस्कृति का बंधन, संस्कृति को भी और किसी के प्रतिबंधों में रहना होगा, साथी सब कुछ सहना होगा। हम क्या है जगती के सर में, जगती क्या संस्कृति के सागर में, एक प्रबल धारा में हमें लगन तिनके सा बहना होगा, साथी सब कुछ सहना होगा। आओ अपनी निर्लगता जाने, अपनी निर्बलता पहचाने, जैसे जग रहता आया है उसी प्रकार रहना होगा, साथी सब कुछ सहना होगा। धन्यवाद। मेरा नाम ईश्वरी विजय पुकाले है और मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे हिंदी परियोजना का विषय है पर्यायवाची शब्द, तो चलिए देखते हैं। पर्यायवाची शब्द। वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं पेड़, शाखी और तरु। मेघ के पर्यायवाची शब्द होते हैं चलत, घन और बादल। अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं अनल, आग और पावक। आँख के पर्यायवाची शब्द होते हैं नेत्र, नयन और चक्षु। अर्क के पर्यायवाची शब्द होते हैं भानु, रवि और सूर्य। गृह के पर्यायवाची शब्द होते हैं आवास,
आलय और घर। धन्यवाद। मैं तनिष शिंदे कक्षा 7वीं सी से एक हिंदी कविता प्रस्तुत करता हूँ। समय पर उगता सूरज प्रतिदिन, समय पर दिखता चंदा है, समय पर चमके तारे गगन में, समय प्रकृति का पहिया है। समय न डरता कड़ी धूप से, ना तूफानों से डरता है, समय न डरता बंदूकों से, समय अविरत चलता है। आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, यही समय सिखलाता है। जो करे दुरुपयोग समय का, वह पीछे पछताता है। जो करे प्रयास निरंतर, वह प्रगति के पथ पर बढ़ता है। समय सचेत करता है सबको, रुक जाना भारी पड़ता है। जो समय निकल चुका है, फिर मुड़कर नहीं आएगा। जो न समझे समय की कीमत, पछताता वह रह जाएगा। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम रिया नीलेश मेहता है। मैं 4वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको लालची बंदर यह कविता सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात बताओ, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको सोने, घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी भूने हुए कुरमुर चनों से भरा पड़ा। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। खड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल न पाता था, और लालची बंदर मन से चना न छोड़ा जाता था। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुंचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। अब खुद तुम ही सोच सकते हो बंदर पर जो कुछ बीती। बच्चों तुम यह बतलाओ, बंदर ने की क्या गलती। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम पूर्वी पांडे है। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है स्वच्छ भारत। इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने भारत को साफ सुथरा रखना चाहिए। नेहा ने एक केला खाया, खाकर छिलका वहीं गिराया, तभी वहाँ एक चिड़िया आई, सिर पकड़कर वो चिल्लाए। अपनी चोंच खोल चिड़िया ने उस छिलके को तुरंत उठाया, छिलका कूड़े दान में डाला, प्यार से नेहा को समझाया। प्यारी नेहा ठीक नहीं उस सड़क पे कूड़ा फैलाना, प्यारी नेहा हमको अपना प्यारा भारत स्वच्छ बनाना, प्यारा भारत स्वच्छ बनाना। हम सब साथ घरों में साफ सफाई रखते हैं, फिर बोलो हम सड़कों और गलियों को क्यों हम गंदा रखते हैं। साफ रखेंगे आज कसम हम खाते हैं, कहीं करेगा कोई ना गंदा। भारत स्वच्छ बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम काव्या पौनिकर है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता के कवि है श्री हरिवंश राय बच्चन। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना कभी ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब सफल न हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो। तुम काम किए बिना जय जयकार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं है। धन्यवाद। मेरा नाम शोभित सिन्हा है। मैं दूसरी कक्षा का छात्र हूँ। मैं आज एक कविता सुनाने वाला हूँ। मेरे कविता का नाम है वर्षा रानी। रिमझिम रिमझिम बरसा पानी, देखो आई वर्षा रानी। काले काले बादल गरजे, जम जमा जम जम कर बरसे। छम छम बिजली चमक रही है, चारों ओर हरियाली है। छम छम बूंदे बरस रही है, घनघोर रट्टा मतवाली है। भर गए सारे तल तलिया, मेंढक गीत सुनाते हैं। सौंधी मिट्टी मक रही है, पेड़ खड़े मुस्कुराते हैं। मैं भी आओ तुम भी आओ, साथ मिलके घूमना। कागज की समनाव बना, मिलकर पानी में तैरा। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम सानवी है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। हमारे जीवन में स्वच्छता का महत्व बहुत है, इसलिए मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत है अपना सपना, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना। पूरा कचरा घर का अपना, गीला सूखा छाट के रखना। गली मोहल्ला साफ रखना, शर्म न करिए काम है अपना। अगर किसी ने कचरा फेंका, रोक उसे न कर अनदेखा। स्वच्छ भारत है अपना सपना, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना। प्लास्टिक का उपयोग न करना, कपड़े की बैग को बढ़ावा देना। शौचालय का प्रयोग करना, पर्यावरण प्रदूषित न करना। हमेशा साफ पानी पीना, बीमारियों से मुक्त है होना। स्वच्छ भारत है अपना सपना, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिका जी, मैं अर्जुन में कक्षा सेकंड बी का छात्र हूँ। आज मैं माँ पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। माँ, मेरी मम्मी बड़ी ही प्यारी, मेरी मम्मी बड़ी निराली। सुबह सवेरे मुझे जगाती, अर्जुन कहकर मुझे उठाती। जल्दी से तैयार न होता, उनके कारण स्कूल जा पाता। स्कूल से आते ही खुश होता, जब मम्मी का चेहरा दिखता। पौष्टिक भोजन मुझे खिलाती, होमवर्क भी पूरा करवाती। जब मैं करता कोई गलती, समझाने की कोशिश करती। मेरी मम्मी मेरी जान,